हेलो गाइस, तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कंपैरेटर फंक्शन एंड कस्टम प्रायोरिटी क्यू। तो इसको अपन डिफरेंट टॉपिक्स में डिवाइड करके समझने वाले हैं, कहाँ यूज करेंगे, कैसे करेंगे, कोड के थ्रू समझेंगे यार, ज्यादा समझ में आएगा। और फिर फाइनली बताएंगे कि प्रायोरिटी क्यू में मैं कैसे कंपैरेटर की मदद से मतलब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के लिए प्रायोरिटी क्यू बनाऊंगा। ठीक है, तो ये कॉम्पिटेटिव में बहुत कॉमन चीज है यार, मतलब की जरूरत आती रहती है, स्पेशली कंपैरेटर फंक्शन हो तो हर तीसरे क्वेश्चन या हर दूसरे क्वेश्चन में आ ही जाता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले समझते हैं कंपैरेटर फंक्शन के बारे में, ये क्या चीज है और कहाँ कैसे क्यों यूज करते हैं इसको। ठीक है, तो नाम से थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा कि कंपैरेटर मतलब कुछ कंपैरिजन कर रहा होगा ये। ठीक है, तो एक ऐसा फंक्शन जो तुमने बनाया है जो कि कंपेयर कर रहा है दो वैल्यूज को, जैसे तुम मैथ्स में कंपेयर करते हो ना 1 less than 2, ठीक है, और ऐसे कंपेयर करते हो और बताते हो कौन छोटा है कौन बड़ा है। अब ये क्या रिटर्न करेगा, ये 2 रिटर्न करेगा कि हाँ सही में, तो ये क्या, यही कंपेरेटर है। ठीक है, अब इसको अपन को कोड में इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो कोड में कंपैरिजन होगा दो वेरिएबल्स के बीच में, या साफ शब्दों में कहूं तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। उसका डेटा टाइप प्रिमिटिव भी हो सकता है, यूजर डिफाइंड भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, प्रिमिटिव मतलब समझ रहे हो ना कि मैं इंट फ्लोट इन सब की बात कर रहा हूँ। तो मान लो मैं दो फ्लोट्स को कंपेयर कर रहा हूँ, दो डबल नाम के वेरिएबल्स को कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, यूजर डिफाइंड मतलब मैंने दो स्टूडेंट्स बनाए S1 और S2 जो कि कुछ डेटा होल्ड कर रहे हैं, जो कुछ वेरिएबल्स हैं। S1 में खुद में 3 वेरिएबल हैं, नाम रोल नंबर मार्क्स। S2 में खुद 3 वेरिएबल्स हैं, नाम रोल नंबर मार्क्स। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है यार, क्योंकि दो इंटीजर को कंपेयर करूंगा तो तुम सीधा सीधा बता दोगे कि ये छोटा है ये बड़ा है। ठीक है, बट दो स्टूडेंट्स को कंपेयर करूंगा, वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि किस बेसिस पे कंपेयर करें। तो यहाँ पे रोल आता है कंपेरेटर का। ठीक है, कंपेरेटर का रोल वहां पे भी आता है, पर वहां बाय डिफॉल्ट क्लियर है यार कि अपन वैल्यूज की बात कर रहे होंगे। ठीक है, 1 और 2 की वैल्यूज ही बात कर रहे होंगे, वहां पे भी कंपेरेटर का रोल आता है, बट तुम वहां पे बाय डिफॉल्ट समझ जाते हो कि हाँ अच्छा भाई कि वैल्यूज की बात कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से कंपेरिजन कर दो। ठीक है, तो अभी मैं कोड के थ्रू समझाऊंगा, बट ये चीज समझ लो कि ये बहुत जगह यूज होता है कंपेरेटर। ठीक है, कुछ फंक्शंस में यूज होता है, सॉर्टिंग में, एक ट्रांसफॉर्म नाम का भी फंक्शन होता है, वहां पे भी ये यूज होता है। ठीक है, ये सब SQL में इनबिल्ट इनकी डेफिनेशन दी हुई है, अपन सिर्फ इसकी इंप्लीमेंटेशन वाला पार्ट समझेंगे अभी। ठीक है, तो सेट्स और मैप्स से भी होता है, वो अपन थोड़ी देर में देखेंगे, पर पहले मैं सॉर्टिंग के थ्रू समझा देता हूँ कि सॉर्ट जो फंक्शन है ना वहां कैसे यूज हो रहा है। तो ये एक प्रोग्राम, सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है, इसमें मैंने एक वेक्टर बनाया जो इंटीजर टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर रहा है। उसमें पहले 2 पुश किया, फिर 1 पुश किया, तो इनिशियली वेक्टर 2,1 हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने उसको प्रिंट कर दिया, और यहाँ पे मैंने सॉर्ट फंक्शन लिखा है। जिसको समझ नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ, सॉर्ट एक इनबिल्ट फंक्शन है, नॉर्मल सॉर्ट उसका यही नाम होगा। ठीक है, तुम छेड़छाड़ी नहीं कर सकते इसके साथ, और इसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो दो हैं, तीसरा भी होता है मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। तो दो कौन से हैं, स्टार्टिंग आइटरेटर या स्टार्टिंग पोजिशन, एंडिंग आइटरेटर या एंडिंग पोजिशन। ठीक है, इसको पास कराना होता है और इसके बाद बूम तुम्हारा वेक्टर सॉर्ट हो गया। ठीक है, तो अब इसके बाद मैंने इसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, इसको एक बार रन करके देख लेते हैं क्या होने वाला है, वैसे बहुत क्लियर है क्या हो रहा है। तो देखो, पहले 2,1 था और बाद में 1,2 हो गया, सिंपल। तो ये तो रही बात जब मेरे को सिंपल इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। ठीक है, और यहां पर भी मैं तुम्हें बताऊंगा दोस्तों कि जो कंपैरेटर का रोल है ना वो यहाँ पर भी है, बट वो जब सॉर्टिंग की डेफिनेशन अपन लिखी होगी एसक्यूएल में कहीं, तो उसमें ऑलरेडी ये मेंशनड है कि अच्छा भाई छोटी वाली वैल्यू को पहले रखो, क्योंकि फिक्स है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर भी अपन कुछ ना कुछ कंपैरिजन का यूज कर रहे हैं, तो उसे ही कंपैरेटर कहेंगे। उसको बस अलग फंक्शन में लिख दो तो उसे कंपैरेटर फंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो कंपैरेटर फंक्शन का काम सिर्फ इतना सा होता है, वो दो ऑब्जेक्ट्स को लेता है। ठीक है, और वो उन ऑब्जेक्ट्स में से कंपेयर करेगा किसी किसी बेसिस पे, वैल्यू के बेसिस पे, यूजर डिफाइंड है तो किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के बेसिस पे कंपेयर करके ये बताएगा कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, वो और वो अपने ऊपर है अपन किसको पहले लाना चाहते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे इस क्वेश्चन को कहता हूं कि ऐसे करो कि बड़ी वाली वैल्यू पहले है छोटी बाद में, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तुम्हें वेक्टर को। ठीक है, तो तुम अगर ऐसे लिखोगे तो नहीं होगा, तो तुम्हें यहाँ पे एक्सटर्नली बताना होगा कि भैया कंपेरिजन का जो तरीका है ना उसको चेंज करो, अब मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में वैक्टर को सॉर्ट करना है। तो यहाँ पे एक सॉर्ट में एक और पैरामीटर होता है, तो यहाँ पे एक फंक्शन नेम तुम पास कर सकते हो, ये इसकी डेफिनेशन में पहले से ही मेंशन है, यही सिंटैक्स है कि तुम्हें यहाँ पे एक फंक्शन नेम पास कराना है। ठीक है, अब फंक्शन नेम पास कराना है तो वो तुम बनाओगे। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ पे अलग लग रहा होगा जिसने पहली बार देखा है कि फंक्शन में एक फंक्शन नेम पास कर रहे हैं, अच्छा ये नई चीज होती है यार, इसे फंक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे इतना तो क्लियर है डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहते हैं, तो कुछ फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, अब इसका डेटा टाइप मैं नहीं जानता, ठीक है अपन खुद बनाने वाले हैं,
तो मान लो इसका नाम तुम कुछ भी रख लो, मैं इसका नाम कंपेयर रख रहा हूँ, समझने में आसानी होगी, ठीक है। अब एक इन दो वैल्यूज को कंपेयर करने वाला है, मतलब उनका टाइप क्या है। जैसे इस केस में वो इंट है, क्योंकि मैं दो इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स लूंगा उन वेक्टर्स के और उनको कंपेयर करूंगा, ठीक है। अब वो इन टाइप पे करने वाला है और दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पे तीन या एक के बीच में नहीं हो रहा, एक के बीच में तो क्या ही होगा, दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, ए और बी, ठीक है। अब मुझे इस फंक्शन की मदद से ये बताना है कि कंपैरिजन क्या कैसे करूं और कैसे, मतलब कहाँ करूं कैसे करूं, ठीक है। तो कैसे करूं, तो मतलब सीधी सी बात है, मेरे को डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, तो बड़ी वाली वैल्यू पहले आनी चाहिए, मतलब थ्री पहले आए अगर थ्री और वन है तो, और वन बाद में आए, ठीक है। तो इसमें एक चीज बताओ, जब मेरे को कुछ यहाँ पे बताना है कि भैया मैंने दो वेरिएबल्स लिए, क्या ये सही ऑर्डर में है, क्योंकि अगर सही ऑर्डर में है तो मैं अरेंज क्यों करूंगा इनको। मान लो मुझे डिसेंडिंग में चाहिए, मैंने थ्री उठाया, मैंने वन उठाया, क्या ये सही ऑर्डर, मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, हाँ भाई है, तो मैं इनको क्यों ही कंपेयर, क्यों ही इसको सॉर्ट करूंगा अलग से, क्यों ही इसको और अरेंज डिसअरेंज करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, मेरे को यहाँ पे इसका रिटर्न करनी पड़ेगी कुछ बूलियन वैल्यू कि भैया ये सही में सही ऑर्डर में है या फिर नहीं, फॉल्स, इसको अपन को अरेंज करना है। तो यहाँ पे इसका जो टाइप होने वाला है वो बूल होने वाला है, बूलियन टाइप, ठीक है। अब 3,1 में अगर मान लो मेरा वेक्टर था कुछ, मेरा वेक्टर अभी है 2,1, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सॉर्ट फंक्शन सॉर्ट करने लगेगा। अब सॉर्ट फंक्शन क्या करता है, कंपेयर को दो वैल्यू देता है, पहली वाली जो पहले आती है वो ये पहले लिखते हैं अपन यहाँ पे, और जो बाद वाली वैल्यू वो इसको देता है, ठीक है। मतलब दो इंडेक्स चुने, आई कॉमा जे, वेयर आई इज लेस देन जे, ठीक है। तो इसने दो वैल्यूज चुनी वेक्टर में और उनको कंपेयर करने के लिए बोल दिया कि भैया मेरे को सॉर्ट कंपेयर करके बता कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो कंपेयर, कंपेरेटर फंक्शन का काम सिर्फ इतना सा है। अब तुम बताओ यहाँ पे मैं क्या लिखूं, देखो अब मेरे को ए पहले चाहिए बी बाद में चाहिए और ए बड़ा भी होना चाहिए, तो कौन सी वैल्यू ये सही होगा या ये सही होगा। देखो अगर मैं ये लिखता तो ये क्या काम करता, तो 2,1 के केस में क्या होता, 2 इज लेस देन 1, तो फॉल्स रिटर्न करता, और फॉल्स नहीं चाहिए हमको, क्यों, क्योंकि 2,1, 2 पहले है 1 बाद में है, ये सही ऑर्डर में है, पहले से ही सही ऑर्डर में है, मुझे इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है। तो जब मैं फॉल्स रिटर्न करूंगा ना, तो ये सॉर्टिंग वाले को बताना चाह रहा है कंपेरेटर कि भैया ये गलत ऑर्डर में है, इसको चेंज करो, पर मेरे को ये सही ऑर्डर में दिख रहा है 2,1, तो मैं यहाँ पे ये नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी लिख दूंगा, अब सही है, क्यों, क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन 1, ये ट्रू रिटर्न करेगा, और कंपेयर जब ट्रू रिटर्न करेगा तो ये सॉर्ट को बताएगा कि भैया ये सही ऑर्डर में है, इसको जैसे है वैसे ही रहने दो, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे एक वेरिएबल और होता, एक और इसमें इंटीजर होता 3, तो जब अभी दो पेयर चुनेगा, 1, एक पेयर चुनेगा 1,3 चुना, ठीक है, तो 1 पहले आ रहा है 3 बाद में आ रहा है, तो ये कंपैरिजन में देगा इसको और पता लगेगा कि 1,3 पहले, 1 इज ग्रेटर देन 3, तो फॉल्स आ जाएगा, तो ये बताएगा कि ये गलत ऑर्डर में है, तो इसको पहले शिफ्ट करो, 3 पहले आएगा 1 बाद में आएगा, समझ रहे हो। तो यही काम है, सिर्फ इतना सा ही काम है कंपैरेटर फंक्शन का, ठीक है। तो थोड़ा आइडिया लग ही गया होगा यार कि यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कैसे करेंगे। अब तुम खुद का भी बना सकते हो, यहाँ पे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो कंपैरेटर फंक्शन बनाने के बाद हमें बस करना क्या है, यहाँ पे जो पे जहाँ पे हमने सॉर्ट में इसका नाम लिख देना है कंपेयर, ठीक है। तो बस कंपैरेटर फंक्शन बनाओ, यहाँ पे नेम पास करो, तो सॉर्टिंग करते वक्त क्या होगा, दो वैल्यूज देगा, इसको देगा कि भैया कंपेयर करके बता और ये कंपेयर करके इसको बता देगा, ठीक है। अब थोड़े अच्छे एग्जांपल पे चलते हैं यार। मान लो मेरे को इस टू एक मैंने कोई यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है स्टूडेंट नाम का, ठीक है। उसमें दो देखो तीन चीजें हैं, नेम है, रोल नंबर है, मार्क्स है, और कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैं उसमें इनपुट दे सकता हूँ, उनकी वैल्यूज को इनिशियलाइज कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दो ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, एक्स वाई जेड, और इनके मार्क्स 99 है, रोल नंबर 1 है, इस दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, इसके 95 मार्क्स हैं और 2 रोल नंबर है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं स्टूडेंट का डेटा एक वेक्टर में स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैंने जो दो बनाए थे ऑब्जेक्ट वो मैंने इस वेक्टर में पास करा दिए, ठीक है। तो इसमें ऐसा हो गया, पहले S1 आ गया फिर S2 आ गया, S1 में खुद 3 वैल्यूज हैं, S2 में खुद 3 वैल्यूज हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ यार कि अब मैं इस वेक्टर को सॉर्ट करना चाहता हूँ, बट अब एक बात ध्यान देने वाली क्या है,
अब मैं ना सॉर्ट किसी भी तरीके से कर सकता हूँ। हो सकता है मैं नेम के बेसिस पे कंपैरिजन करूँ, हो सकता है मार्क्स के बेसिस पे करूँ, हो सकता है रोल नंबर के बेसिस पे करूँ। तो अगर तुमने सीधा सॉर्ट लिख दिया तो इसको कैसे पता लगेगा कि ये किस बेसिस पे करे सॉर्ट, समझ रहे हो? तो तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा एक फंक्शन के थ्रू। देखो सॉर्टिंग में जो सिंटैक्स होता है ना, जहां पे डिफाइन, जहां पे अपन ने एसक्यूएल में डेफिनेशन, जो इसका डिक्लेरेशन है, जो इसका प्रोटोटाइप है, वहां पे हमने इसमें तीन चीजें पास करा सकते हैं। पहली स्टार्टिंग पोजीशन, दूसरी एंडिंग पोजीशन, और थर्ड जो कि है एक कंपैरेटर फंक्शन। फंक्शन बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्लास स्ट्रक्चर नहीं बोल रहा, एक फंक्शन। तो तुम एक फंक्शन बनाओगे और यहाँ उसका नाम पास करा दोगे, ठीक है? तो इस केस में भी वही होने वाला है यार। जब मैंने ऐसे स्टूडेंट बना दिए तो मैं यहाँ पे एक ऐसा कंपैरेटर फंक्शन बताऊंगा जो कि सिचुएशन के हिसाब से कंपेयर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं कि ऐसा ऐसा अरेंज हो ये स्टूडेंट का डेटा कि हाईएस्ट मार्क्स वाला पहले आए और उसके बाद लोएस्ट मार्क्स वाला आए, ठीक है? तो कैसे करूंगा वो देखते हैं, ठीक है? पहली चीज तो यहाँ पे कंपेरेटर फंक्शन का नेम पास कराना है। तो मैंने कंपेयर का नाम का फंक्शन बनाऊंगा, वो मैंने यहाँ पास करा दिया। अब देखो इसमें चेंजेस करने सारे। दूसरी चीज, लास्ट केस में अपन दो इंटीजर को कंपेयर कर रहे थे, यहाँ पे किन दो तरह के टाइप को कंपेयर कर रहे हैं अपन? स्टूडेंट टाइप के। देखो यहाँ पे स्टूडेंट टाइप का वेक्टर है, तो ये दो स्टूडेंट टाइप के ही ऑब्जेक्ट्स देगा कंपेरेटर फंक्शन को, ठीक है? तो यहाँ पे स्टूडेंट टाइप के ही डेटा को कंपेरिजन करेंगे इनके बीच में। तो जिस भी टाइप के डेटा के बीच में कंपेरिजन करना है, वो यहाँ पे अपन को उस तरह का ही डेटा यहाँ पे पास करना है, ठीक है, एज अ पैरामीटर। दूसरी चीज देखो, अब एक स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट दिया तुमने इसको ए, स्टूडेंट का एक और ऑब्जेक्ट दिया तुमने बी। अब तुम्हें यहाँ पे कंपैरिजन करना है किसके बेसिस पे, बस सिंपल वही चीज है। वहां पे तुम ए ग्रेटर देन बी लिख रहे थे इससे पहले वाले एग्जाम्पल में, यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे ए डॉट मार्क्स। क्यों? क्योंकि तुम्हें मार्क्स के बेसिस पे करना है, क्योंकि ए तो एक बहुत ऑब्जेक्ट है ना, उसके अंदर ही बहुत सारे वेरिएबल्स है। तो तुम डॉट ऑपरेटर की मदद से मार्क्स पे जाओगे और उनको कंपेयर कर दोगे। ये तो तुमने उप्स में पढ़ा ही होगा कि डॉट ऑपरेटर से अपन उसके पर्टिकुलर वेरिएबल को ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट के एक पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, तो ए डॉट समथिंग, ऑब्जेक्ट डॉट उसका वेरिएबल का नहीं। तो यहाँ पे ए डॉट मार्क्स ए के मार्क्स बताएगा, बी डॉट मार्क्स बी के मार्क्स बताएगा, और इसमें अपन चाहते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आए, कि बड़े बड़े मार्क्स पहले आए, छोटे मार्क्स बाद में आए। तो देखो इसके लिए हमने एक कंपेरेटर फंक्शन लिख दिया, ठीक है? ये बहुत सिंपल सी चीज थी भाई, लास्ट ही चीज थी बस। इसमें अपन ने जो डेटा टाइप है वो प्रिमिटिव ना रख के यूजर डिफाइंड रख दिया, ठीक है? दूसरी चीज यहाँ पे ये कि मान लो मैं चाहता हूं कि वो केस भी हैंडल हो जब मार्क्स दो लोगों के सेम है, दो स्टूडेंट्स के मार्क्स सेम है। तो मैं चाहता हूं कि जिसका नाम लेक्सिकोग्राफिकली पहले आए, मतलब जिसका नाम अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, वो पहले आए, बाद वाला बाद में आए, समझ रहे हो? तो क्या होना चाहिए? तो देखो मैं क्या लिखूंगा, इफ ए डॉट मार्क्स इक्वल्स टू बी डॉट मार्क्स, ठीक है? तो क्या करूंगा, तो ही मैं कुछ और तरीके से कंपैरिजन परफॉर्म करूंगा। देखो अगर ये सिचुएशन फॉल्स है, मतलब ये सिचुएशन कभी आई नहीं, दो लोगों के मार्क्स इक्वल है नहीं, तो सिंपल है, जो बड़ा वाला मार्क्स है वो पहले आना चाहिए, जो छोटा है वो बाद में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन का साइन लगाया तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है? अब मैंने अभी बताया था डिक्रीजिंग करना है तो ये ग्रेटर देन साइन लगाओ, और इंक्रीजिंग करना है तो लेस देन साइन लगाओ। वो तुम समझ भी गए थे क्यों, ठीक है? बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। तो अब मान लो दो स्टूडेंट्स के मार्क्स इक्वल है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उनके नाम के बेसिस पे करना है। तो ए डॉट नेम और बी डॉट नेम के बीच में कंपैरिजन परफॉर्म करना है। अब मैं क्या चाहता हूं कि जो छोटा नेम है वो पहले आए, मतलब छोटा नेम है मतलब स्मॉल देन, बस इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए मुझे नेम, जो जो भाई अल्फाबेटिकली पहले वो पहले आए, तो बस इसके लिए मुझे ये कंडीशन लिखनी है। तो इसी तरीके से तुम कितना ही कॉम्प्लिकेटेड कंपैरिजन फंक्शन क्यों ना लिखना हो तुम्हें, तुम लिख लोगे अब। क्यों? क्योंकि बस यही चीज समझनी थी कि तुम्हें कंपैरिजन करना कैसे है और रिटर्न क्या करना है। तो देखो रिटर्न करने वाली बात मैं आखिरी बार दोबारा रिपीट कर देता हूं कि जब भी तुम्हें वो सही ऑर्डर में दिया है, मतलब तुम्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए और वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मान लो यहाँ पे इसका नाम अल्फाबेटिकली पहले है, ठीक है, और इसका नहीं, मतलब इसका बाद में ही आ रहा है, तो तुम्हें ट्रू ही रिटर्न करना है, क्योंकि तुम्हें अरेंज करने ही नहीं है, वो ऑलरेडी कंपैरिजन करने के बाद ट्रू रिटर्न हो गए। भाई जब तुम मैथ्स में 1 is less than 2 लिखते हो तो इसको थोड़ी ना वो कहते हो कि भाई कुछ गलत है, अरेंज करो, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है, 2 is greater than 1, ये तो फैक्ट है, ठीक है ना? तो यही चीज यहाँ पे है, जब सॉर्टिंग के वक्त दो चीजें कंपेरिजन करने की दी जाती है और वो ऑलरेडी सही पोजिशन में होती है, तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, और नहीं है तो फॉल्स, ठीक है? इतना सही सिंपल सी बात है, ठीक है? तो अब ये चीज तो तुम
समझ ही चुके हो आप कि कैसे मैं सॉर्टिंग में कंपैरिजन फंक्शन का यूज करूंगा। तो अब थोड़ा आगे चलते हैं और अपन देखते हैं कि जो सेट्स और मैप्स, ठीक है, ये कुछ ऐसे अलग तरह के कंटेनर्स हैं यार, एसोसिएटिव कंटेनर्स बोलते हैं इनको, ठीक है। इनमें क्या होता है यार, ये वेक्टर की तरह नहीं है कि तुमने सीधी वैल्यूज पहले पुश करी, वो जिस ऑर्डर में तुमने पुश की उसी ऑर्डर में है। उसके बाद तुम अलग, अगर तुम्हें अरेंज करना है तो सॉर्टिंग का यूज कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म का यूज कर रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो, ये वैसे नहीं होते। सेट्स और मैप क्या होते हैं, इनमें जब तुम वैल्यू इंसर्ट करते हो तो वो ऑलरेडी इंक्रीजिंग सॉर्टेड फॉर्म में रहता है। जैसे सेट्स में अगर तुम पहले टू डालोगे फिर वन डालोगे तो वो अपने आप इंसर्ट करते वक्त उसको वन को पहले ले आएगा, टू को बाद में। तुम्हें एक्सटर्नली सॉर्ट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ अलग तरह के कंटेनर्स होते हैं यार, ठीक है। ऐसे प्रायोरिटी की होता है, इसमें भी तुम्हें, इसमें वो अलग ही प्रायोरिटी सेट करता है, हाईएस्ट प्रायोरिटी को पहले लेता है, लोएस्ट को लास्ट में लेता है, ठीक है। तो इसमें भी कंपैरेटर का तुम यूज कर सकते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। अब सेट्स मैप्स जितने भी ऐसे एसोसिएटिव कंटेनर्स है ना, इसमें क्या होता है यार, तुम्हें इसमें अलग तरीके से करना होगा। वो कैसे है वो सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सिंपल सेट बनाऊ इंटीजर टाइप का और उसमें इंसर्ट कर दू दो वैल्यूज, ठीक है, चलो मैं तीन कर देता हूँ, समझने में आसानी होगी, ठीक है। उसके बाद मैंने तो अभी सिंपल प्रिंट कर रहा हूं। अब अगर मैं इसको सीधा इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो क्या आंसर आने वाला है, क्योंकि ये एसोसिएटिव कंटेनर्स हैं तो ये अपने आप ही सॉर्ट कर लेगा इसको पहले से, या एक्सटर्नली लिखने की जरूरत नहीं थी। देखो 1 2 3 आ गया, ठीक है। अब मान लो मैं चाहता हूं इसमें मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहता हूं, ठीक है। अब इसमें भी बहुत वेराइटी, वही वेराइटी यार, यहाँ पे तुम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप ले आओ, उसमें भी तुम डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले आओ। तो मैं इसमें सिंपल एक केस के लिए बता दूंगा, बाकी के लिए तुम समझ ही जाओगे अब, ठीक है। तो मैंने लास्ट सॉर्टिंग के लिए बताया था क्योंकि वो एक फंक्शन था, तो उसकी डेफिनेशन में ये दिया हुआ था कि सॉर्टिंग के अंदर एक फंक्शन का नेम पास करना है, कंपेरिटर फंक्शन का। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक अपन को क्लास बनानी पड़ेगी जो कि कंपेरिजन करेगी, समझ रहे हो। यहां पे मैं कह रहा हूं कि वहां पे फंक्शन नेम था ना, यहाँ पे क्लास नेम आना चाहिए। अब ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्लास नेम या स्ट्रक्चर नेम जो भी तुम बना रहे हो, ठीक है, जिसकी मदद से तुम कर रहे हो। तो मैंने बनाई क्लास, अब वो मैं कंपेयर बना रहा हूं अभी, ठीक है, उसी नाम से, ठीक है। अब इसमें, अब यहाँ पे क्या होता है यार, जितने भी ऐसे एसोसिएटिव कंटेनर्स होते हैं तो जब इसमें वैल्यूज तुम इंसर्ट करते हो ना तो वो एक पर्टिकुलर तरीके से ही कंपैरिजन होता है उनका, मतलब समझ रहे हो। मतलब कि जैसे तुमने वैसे टू डाला सेट में फिर वन डाला, तो जब इनमें कंपैरिजन होगा ना तो वो एक तरीके से ही होगा। मतलब वो तुम्हारे, तुमने अगर एक फंक्शन लिख दिया ना तो तुम उसके हिसाब से नहीं करोगे, ये एक पर्टिकुलर तरीके से ही करेगा। और वो तरीका क्या है, एक ऑपरेटर का यूज करता है, ये कॉल ऑपरेटर का, ठीक है। तो अगर तुम्हें कुछ चेंजेस करने हैं कंपैरिजन में, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट हो, तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें इस ऑपरेटर के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी जितनी भी करनी है। इसमें तुम नया फंक्शन नहीं बना सकते, क्यों, अगर तुमने बना भी दिया ना तो जो सेट कंपैरिजन के लिए चीज फॉलो करने वाला है वो अपनी वही पर्टिकुलर जो मैं बोल रहा हूँ वो इस ऑपरेटर की मदद से ही करेगा, ठीक है। तो तुम्हें अगर कुछ करना है तो तुम क्या, तो तुम्हें इस ऑपरेटर को की डेफिनेशन को चेंज करना है। और जहां पे अपन ऐसे ऑपरेटर की डेफिनेशन चेंज करते हैं वहां पे एक कंसेप्ट आता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। तो हमें इस ऑपरेटर को, किसको, इस ऑपरेटर को, इसे कहते हैं फंक्शन कॉल ऑपरेटर, इसको ओवरलोड करना है। इसको ओवरलोड करके इसकी डेफिनेशन को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना है, ठीक है। जैसे अगर मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लो, कर लो, उसी हिसाब से डेफिनेशन लिखो। कैसे लिखेंगे वो मैं बता देता हूं। तो एक बार मैं ये चीज लिख लेता हूं फिर मैं समझाता हूं। ठीक है, तो अब देखो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या करते हैं अपन, ऑपरेटर ओवरलोडिंग में कुछ उसका रिटर्न टाइप होता है, ठीक है। ये कुछ सिंटेक्स ही होता है कि यहाँ पे ऑपरेटर कीवर्ड आएगा, उसके बाद वो ऑपरेटर आएगा, और उसके बाद एक पैरामीटर लिस्ट होती है, ठीक है। अब इस पैरामीटर लिस्ट में, क्योंकि ये ऑपरेटर दो वही चीज है, बाकी कंपैरिजन करते वक्त दो के बीच में कंपैरिजन करोगे तुम, ए और बी, कि भैया ए बड़ा है बी छोटा है, वो वही सेम कंसेप्ट, कंपेयर कंपेयर जो हमने अभी लास्ट पढ़ा था ना सॉर्टिंग के लिए, वही चीज है यहाँ पे। अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो ग्रेटर देन यूज करूंगा, असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो लेस देन यूज करूंगा। क्या लॉजिक है, वही है कि टू ग्रेटर देन वन सही ऑर्डर में है तो डिसेंडिंग ही चाहिए तो ट्रू रिटर्न करेगा, तो वही लॉजिक है। और रिटर्न टाइप इसलिए इसका बूल है, वॉइड भी नहीं है, बूल है, ठीक है। तो
तो बस ये याद रखना है कि सेट मैप्स प्रायोरिटी क्यू जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर्स होते हैं जो अलग तरीके होते हैं, वेक्टर क्यू इनकी तरह नहीं होते, तो इसमें क्या करना होता है कि अपन को क्लास के थ्रू कंपैरिजन कंपैरिजन करना होता है, ठीक है। मतलब अगर तुम्हें खुद का कंपैरेटर परफॉर्म, खुद का एक कंपैरेटर बनाना है तो तुम्हें एक क्लास बनानी होगी, उसके अंदर एक ऑपरेटर को ओवरलोड करना होगा, और वहीं दूसरी जगह अगर तुम्हें सॉर्टिंग करते वक्त कुछ कंपैरिजन करना है तो एक फंक्शन नेम बना दो, काम बन जाएगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो भाई उनकी डेफिनेशन में, एसटीएल में डेफिनेशन दी है ना, तो वहां पे ही इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि ये कंपैरिजन क्लास से होगा, वो फंक्शन से होगा, ठीक है। तो यही चीज है यार, बस यहाँ पे अब तुमने बना दिया, अब यहाँ पे बस इस क्लास का नेम पास कर दो, ठीक है। कंपेयर नेम पास कर दिया, अब देखो इसको देखते हैं कि किस तरीके से आने वाला है इसका आउटपुट। तो देखो यहाँ पे आंसर आ गया 3, 2, 1, तो रिवर्स सॉर्ट हो गया एक तरीके से, तो यही तरीका है। अब मान लो यहाँ पे तुम चाहते थे कि तुम्हारा डेटा टाइप हो एक स्टूडेंट टाइप का, तो कुछ नहीं यार, यहाँ पे स्टूडेंट लिख दो बना के, उसकी स्टूडेंट की डेफिनेशन दो पहले क्लास की उसकी अलग से, और फिर ए डॉट मार्क्स जिस हिसाब से भी तुम्हें करना है वो तुम कर सकते हो। तो आई होप अब कंपैरेटर का तो पूरा ये चीज क्लियर है कि कैसे मैं कब फंक्शन की मदद से करूंगा, कब क्लास की मदद से करूंगा, कब कब मैं इंक्रीजिंग करूंगा, कब डिक्रीजिंग करूंगा, कैसे करूंगा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया यहाँ पे, डिटेल में नहीं गया, ठीक है। बस यही चीज याद रखनी है। तो ये था यार इसके बारे में, कंपैरेटर के बारे में, और एक कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा, ये मैंने पूरा बता दिया। अब आगे चलते हैं यार प्रायोरिटी क्यू पे, ठीक है। अब प्रायोरिटी क्यू के बारे में थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो प्रायोरिटी क्यू क्या है यार? एक डेटा स्ट्रक्चर होता है हीप, तो उसमें क्या होता है कि मैं थोड़ा एक मैंने रफ सा डायग्राम बनाया था इधर, देख लो। जैसे कि ये हीप्स क्या होते हैं यार? हीप होते हैं कि एक स्पेशल तरह का डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो बड़ी वाली वैल्यू होती है ना, ये ट्री का ही एक फॉर्म है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो लेफ्ट नोड पे जो वैल्यू है और राइट नोड पे वैल्यू है, अगर मैक्स हीप है तो जो रूट वाली वैल्यू है ना वो इन दोनों से बड़ी होगी, ठीक है। तो देखो मैक्स हीप में क्या होता है, जो रूट पे वैल्यू है 7 वो इनके लेफ्ट और राइट से बड़ी है, 6 और 5 से बड़ी है। ऐसे ही 6 जो है वो 1 और 2 से बड़ी है, 5 है वो 3 और 4 से बड़ी है, ये मैक्स हीप हो जाता है। और मिन हीप में सेम चीज होती है, मिनिमम के लिए जो छोटा होता है वो बड़ा ऊपर आता है, ठीक है। तो ये जो प्रायोरिटी क्यू है ना यार, ये इसी का ही एक एप्लीकेशन, एक इम्प्लीमेंटेशन है मिन और मैक्स हीप का। तो इसमें होता क्या है कि तुम प्रायोरिटी देते हो, ठीक है, कि भैया ये जो एलिमेंट है ना इसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, तो सबसे पहले तुम इसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। जैसे स्टैक होता है ना यार, स्टैक में हमेशा टॉप पे ऑपरेशंस होते हैं, इंसर्ट और पॉप जितनी भी चीजें होती हैं। प्रायोरिटी क्यू का मतलब ये है कि वो एक्सेस जो है ना वो टॉप को सबसे पहले करेगा, ठीक है। वो कर सबको सकता है बट वो एक्सेस सबसे पहले करेगा, और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंसर्शन टॉप पे हो रहा है, ये कंफ्यूज मत होना स्टैक की तरह। इंसर्शन उसमें ओवरऑल होता है, इंसर्ट तुम उसमें पूरे में करते हो, वो अपने आप उसको प्रायोरिटी देता है, उसको सही पोजीशन पे ले जाता है, बट वो एक्सेस सबसे पहले टॉप को करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रायोरिटी अपन ने सबसे ज्यादा सेट कर रखी है, ठीक है। तो ये मेन चीज थी कि मिन और मैक्स हीप का जो ये है, ये इंप्लीमेंटेशन होता है, ठीक है। अब प्रायोरिटी क्यू क्या होता है कि वो जो स्टोर करता है ना, वो एक कंटेनर में करता है। फॉर एग्जाम्पल कि तुमने ये ट्री मेंटेन करना है, ठीक है, मैक्स और मिन ही, या मैं कहूं कि तुम्हें ऐसे प्रायोरिटी सेट करनी है कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, और जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसकी सबसे छोटी प्रायोरिटी है, ठीक है। मतलब मैक्स हीप ही कहूं, क्योंकि देखो मैक्स हीप में क्या था, जो सबसे बड़ा एलिमेंट था उसकी वो सबसे ऊपर था, मतलब उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा थी, समझ रहे हो। और मीन हीप में छोटे एलिमेंट को ऊपर रखा था, मतलब छोटे एलिमेंट की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। मैं यहाँ वैल्यू की बात नहीं कर रहा, मैं प्रायोरिटी बात कर रहा हूँ कि अपने हिसाब से अपनी सिचुएशन की को क्या रिक्वायर्ड है, मतलब, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि बड़ी वाली वैल्यू को मैं चाहता हूँ ऊपर रखू, मैक्स हीप इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रायोरिटी क्यू। तो ये मेरे पास वैल्यूज है 2, 1, 3, 7, 4, 5, ठीक है। तो मान लो मैं चाहता हूं कि ये मेरी प्रायोरिटी क्यू में जाए, और प्रायोरिटी वाइज फिर मैं इसको एक्सेस करूं, ठीक है। तो पहले आया 2, 2 तुमने सेट करा इसको, फिर आया 1, तो 1 इसमें मैंने बताया था ये कुछ स्पेशल तरह के कंटेनर्स होते हैं प्रायोरिटी क्यू सेट मैप्स। तो इसमें क्या आया कि प्रायोरिटी क्यू क्या करेगा, इसमें प्रायोरिटी क्यू 1 को पहले ले जाएगा, प्रायोरिटी सेट कर देगा उसकी 2 से कम, क्योंकि क्योंकि ये मैक्स हीप इंप्लीमेंटेशन है, तो जो इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। और एक बात यहाँ पे ध्यान से देखना,
लास्ट एलिमेंट ऑफ द कंटेनर इज ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी इन प्रायोरिटी क्यू, मतलब कि जो लास्ट एलिमेंट होगा ना मेरे कंटेनर में, मतलब इस केस में क्या है लास्ट एलिमेंट, टू, इस केस में टू, तो जो लास्ट एलिमेंट है वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला है, उसके बाद उसका सेकंड लास्ट, उसके बाद थर्ड लास्ट, तो समझ रहे हो ना, पीछे से इसमें प्रायोरिटी होती है। ठीक है, मान लो मैं कह रहा हूं कि एक एरे है जिसमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट है, मतलब बड़ा वाला लास्ट में आ रहा है, छोटा वाला पहले आ रहा है। ठीक है, तो पीछे से प्रायोरिटी देखेंगे, मतलब जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसकी प्रायोरिटी, मतलब पीछे वाला एलिमेंट की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अब मैक्स हीप में क्या होता है, बड़ा एलिमेंट लास्ट में जाता है, और मीन हीप में क्या होता है कि छोटा एलिमेंट लास्ट में जाता है। बस यही इसकी इंप्लीमेंटेशन में यही डिफरेंस है मीन और मैक्स में। ठीक है, तो ये जो था टू आया इसमें, सिंगल एलिमेंट था, वन आया, वन पहले आ गया, टू बाद में हो गया, थ्री आया तो थ्री, क्योंकि थ्री सबसे बड़ा है वो थ्री लास्ट में चला गया, सेवन आया तो सेवन सबसे बड़ा है वो लास्ट में हो गया, फोर आया तो फोर अपनी सही पोजीशन पे, फाइव आया तो फाइव अपनी सही पोजीशन पे। तो जो इसमें मैं बोल रहा हूँ ना सही पोजीशन पे जा रहा है, वो कैसे जा रहा है, उसको पहले प्रायोरिटी देता है और वो प्रायोरिटी मतलब अपनी सही पोजिशन पे चला जाता है। तो ये जो काम है ना यार, ये जो काम है ये कंपेरेटर फंक्शन का काम है, जैसे अभी मैंने बताया था ना सेट में कैसे काम कर रहा है, सेम वैसी ही चीज करनी है अपन को प्रायोरिटी क्यू के लिए। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि जैसे सेट में मैं चाहता था कि इंक्रीजिंग ना हो डिसेंडिंग हो, ठीक है, तो इसमें भी मैं वैसे ही करूंगा। मान लो कभी मेरे को मैक्स से मिन हीप में जाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको मैं इसकी कंपेरेटर फंक्शन में डिफाइन करूंगा, उसको थोड़ा चेंज कर दूंगा। ठीक है, ये तो अपना इंट्यूशन है इसका, इसके पीछे कि ये कैसे काम करेगा। ठीक है, तो ये मैक्स हीप था, अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। अच्छा एक चीज और, ये जितने भी मैंने अभी सेट मैप डिस्कस किए थे उनकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो डिफरेंट होती है, तो मैं प्रायोरिटी क्यू की यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है कि लॉग एन टाइम होता है इंसर्शन का, डिलीशन का टाइम होता है लॉग एन, और अगर तुम सिर्फ टॉप मोस्ट एलिमेंट को देख रहे हो, मतलब उसमें ले रहे हो, डिलीट नहीं कर रहे हो, तो उसका टाइम होता है ऑर्डर ऑफ कॉन्स्टेंट टाइम। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि मैं कोई एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट करूंगा, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इंसर्ट करा, यहाँ पे नाइन इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो नाइन इंसर्ट करा तो पहले यहाँ पे करूंगा, फिर वो अपनी सही पोजीशन पे जाएगा, तो क्योंकि एक ट्री है तो लॉग एन नंबर ऑफ स्टेप्स लगते हैं मैक्सिमम इसमें। ठीक है, ऐसे ही मान लो मेरे को कोई डिलीट करना है, और डिलीट मैं कौन सा कर पाऊंगा इसमें जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होगी, क्योंकि सबसे पहला ऑपरेशन उसी पे करूंगा मैं। ठीक है, तो मान लो मैंने वन डिलीट किया तो इसकी जगह पे कोई ना कोई तो आएगा ही ना हाईएस्ट प्रायोरिटी पे, तो उस हिसाब से फिर ये मैक्सिमम लॉग एन स्टेप ले सकता है। तो इंसर्शन डिलीशन लॉग एन टाइम लेते हैं प्रायोरिटी क्यू में, और टॉप मोस्ट एलिमेंट को अगर अपन पे कुछ देखना ही है, उसकी वैल्यू चाहिए, तो वो ऑर्डर ऑफ वन में कांस्टेंट टाइम में आ जाती है। ठीक है, ये इसका टेम्पलेट है यार, टेम्पलेट मतलब ये इसका सिंटैक्स है एसटीएल में। तो इसका सिंटैक्स मतलब अभी मैं तुम्हें डिफाइन करके बताता हूँ, यहाँ ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। तो इसका प्रोग्राम बना लेते हैं, PQ डॉट पुश वन, पी क्यू डॉट पुश फाइव, पी क्यू डॉट पुश टू। ठीक है, अब पी क्यू डॉट टॉप, और यहाँ पे मैं इसको पॉप कर दूंगा, आप देखो इसको समझते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, अभी अपना मेन काम तो कंपैरेटर फंक्शन पे जाना है, तो मैं इसको जल्दी से समझा देता हूँ। एक तो इसमें क्या है, मैंने एक प्रायोरिटी क्यू बनाई जो कि इंटीजर टाइप की स्टोर करेगी वैल्यूज। ठीक है, तो उसका नाम रखा पी क्यू, यही ये इसका सिंटेक्स है। ठीक है, इस तरीके से मैं डिफाइन करूंगा। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट ये जो चीज है ये होती है मैक्स हीप इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब मैक्स हीप इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या होता है, मैक्स हीप मतलब होता है छोटा पहले आएगा बड़ा बाद में आएगा। अभी यहाँ पे अपन ने देखा था ना मैक्स हीप इम्प्लीमेंटेशन इसका, देखो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि मैक्स हीप में इसका लास्ट, हर एक कंटेनर का लास्ट एलिमेंट बताता है उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है, तो मैक्स हीप में मैक्सिमम एलिमेंट की प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होती है, तो मैक्सिमम एलिमेंट लास्ट एलिमेंट होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि एरे जो होती है वो सॉर्टेड होती है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स मैं इंसर्ट करूंगा तो वो लॉग एन टाइम लेंगे और इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंसर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका अगर मैं आउटपुट देखूंगा कितना आएगा, इसका आउटपुट आएगा वन, पहले फाइव होगा फिर टू होगा फिर वन होगा। अब ये चीज देखो, देखो
जब मैंने इसको इंसर्ट किया तो इसमें जो कंटेनर है उसमें वैल्यूज गई होंगी 1, 2 और 5, मैंने क्योंकि कहा था कि मैक्स हीप इंप्लीमेंटेशन में मैक्सिमम वैल्यू लास्ट वैल्यू होती है, ठीक है। अब फिर मैंने ये भी कहा था कि जितने भी ऑपरेशन होंगे वो सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट पे होंगे, ठीक है। तो मान लो जब तक मैं इसमें ट्रेवर्स कर रहा हूं तो पहले इसको लूंगा क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है, तो पहले ये टॉप मोस्ट होगा, ये प्रिंट हो जाएगा, फिर मैंने पॉप कर दिया, पॉप लॉग एंड टाइम लेगा और इसको हटा देगा। अब कौन हाईएस्ट प्रायोरिटी है, 2, तो 2 आएगा, 2 को प्रिंट करेगा और 2 को डिलीट कर देगा, फिर 1 को ऐसे ही, तो प्रिंट ये रिवर्स ऑर्डर में होगा, समझ रहे हो ना कि कंटेनर में कैसे स्टोर हो रहे हैं, कंटेनर में छोटे से बड़े ही हो रहे हैं मैक्स हीप इंप्लीमेंटेशन में, बट वो अगर अपन जब उसको प्रिंट करना चालू कर रहे हैं, जब उसको एक्सट्रैक्ट करना चालू कर रहे हैं, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी पहले होगी, लोएस्ट लास्ट में होगी, ठीक है। अब मैं चाहता हूं इसमें मिन हीप इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। मिन हीप इंप्लीमेंटेशन के लिए अपन को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसका जो सिंटैक्स है जो मैंने तुम्हें बताया था अभी, इसका जो टेम्पलेट है तो देखो अब समझते हैं। यहां पे मिन हीप में क्या होता है यार, मिन हीप में मैं ऊपर लिख देता हूं, मिन हीप में अभी मैंने क्या बताया था, मैक्स हीप में बड़ी वाली लास्ट में रहती है, तो मिन हीप में क्या होगी, छोटी वाली लास्ट में होगी। छोटी वाली लास्ट में होगी तो क्या समझ में आ रहा है, बड़ी वाली सबसे पहले होगी, तो जो एरे होगी, जो कंटेनर में जो वैल्यू स्टोर होंगी वो उल्टी होंगी। तो अगर मैंने 1, 5, 2 किया तो 5, 2, 1 ऐसे स्टोर होंगी, ठीक है। अब मैं एक्सट्रैक्ट करने जाऊंगा तो पहले कौन एक्सट्रैक्ट होगा, 1, फिर 2, फिर 5, क्यों, क्योंकि मिन हीप इंप्लीमेंटेशन है। मिन हीप में क्या होता है कि छोटी वाली वैल्यू को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं और जिसकी जितनी ज्यादा प्रायोरिटी होगी वो उतना लास्ट में प्रेजेंट होगा, समझ रहे हो, तो इसलिए ये रिवर्स सॉर्टेड फॉर्म में रहती है, ठीक है। अब अपन को करना क्या है, प्रायोरिटी क्यू में इस तरीके से इसका कंपेरिजन ऑपरेटर परफॉर्म डिफाइन करना है कि जो इसमें वैल्यू स्टोर हो वो ऐसे हो कि छोटा वाला लास्ट में है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, सिंपल। अच्छा अभी मैंने बताया था कि सेट मैप प्रायोरिटी क्यू इतनी जितने भी ऐसे अलग तरह के कंटेनर्स होते हैं इनके लिए अपन को जब भी परफॉर्म करना होता है कंपैरिजन तो अपन एक क्लास के थ्रू करते हैं ना कि फंक्शन के थ्रू। तो मैंने एक क्लास बनाई सीएमपी नाम की, बस अब इसके अंदर पब्लिक में वापिस से वही चीज करूंगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि मैं एक ऑपरेटर के थ्रू करता हूं, क्योंकि इन तरह के कंटेनर्स में यार ये पहले से ही डिफाइंड है STL में कि जब भी इनमें कंपैरिजन परफॉर्म होगा तो उस ऑपरेटर के थ्रू ही होगा, ठीक है। इस ऑपरेटर को अपन को ओवरलोड करना है क्योंकि अपन अलग से फंक्शन नहीं बना सकते, ठीक है। तो मैंने एक इसको अलग से ओवरलोड कर दिया और यहां पे क्योंकि मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए तो A ग्रेटर देन B लिख दिया, ग्रेटर साइन यूज करूंगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अब ये क्या होगा, ये कंटेनर को ऐसे स्टोर करवाएगा, समझ रहे हो ना, मुझे मिन हीप चाहिए, मिन हीप में छोटी वाली हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होती है, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला लास्ट एलिमेंट होता है कंटेनर में, ये याद रखना, प्रायोरिटी क्यू में हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला सबसे लास्ट प्रेजेंट होगा, ये बात दिमाग में बिठा लो। तो अगर मिन हीप है तो मिनिमम लास्ट पे होगा और मैक्स हीप है तो मैक्सिमम लास्ट लास्ट में होगा, तो मिन हीप में मिनिमम लास्ट पे है तो रिवर्स सॉर्टेड है, ठीक है। इसके लिए मैंने ग्रेटर देन यूज किया, ठीक है। अब वही चीज है, बस एक चीज और देख लो, प्रायोरिटी क्यू का जो सिंटैक्स होता है ना ये समझ लो, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना। प्रायोरिटी क्यू के सिंटैक्स में 3 चीजें डिफाइन करनी होती है, पहला डेटा टाइप, किस तरह का डेटा टाइप तुम चाहते हो कि प्रायोरिटी क्यू स्टोर करे, ठीक है। मान लो मैं चाहता हूं स्टूडेंट का करे, स्टूडेंट नाम का बने, स्टूडेंट एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसमें ऑलरेडी 3 वैल्यूज है, मार्क्स, रोल नंबर और नेम, ठीक है। अब दूसरी चीज होती है इसमें कंटेनर, अभी मैं बोल रहा हूं ना कि ये 5, 2, 1 किस में कंटेनर में स्टोर हो रहा है, 1, 2, 5 कंटेनर बोल रहा हूं, तो जो कंटेनर है वो ये कंटेनर है ये, तो तुम्हें यहां पे लिखना पड़ेगा। नॉर्मली अपन वेक्टर ही लिखते हैं, तो ये वेक्टर ऑफ जिस भी डेटा टाइप का तुम बनाना चाहते हो, अगर स्टूडेंट टाइप का बनाना चाहते हो तो यहाँ पे स्टूडेंट लिख दो, ठीक है। यूजर डिफाइंड है तो मतलब यहाँ पे यूजर डिफाइंड लिख दो, और प्रिमिटिव है इंट फ्लोट है तो यहाँ पे जो यहाँ पे होगा ना वो यहीं पे यहाँ पे होगा, ठीक है। और उसके बाद तो अपना यहाँ पे कंपैरिजन है ही, क्लास के थ्रू करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम प्रिमिटिव लिख रहे हो तो इंट लिखो, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिखो, और यहाँ पे फिर उस पर्टिकुलर वेरिएबल के थ्रू कंपैरिजन कर दो, समझ गए। ये तो बिल्कुल वही चीज है, बिल्कुल बिल्कुल वही चीज है, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट मत रखना कि ये
भैया ये क्या है, ये इंट वेक्टर, इंट कंप क्या है, ये तीन चीज होती हैं। ये होता है कंपैरिजन के लिए कि भैया कंपैरिजन कैसे होगा परफॉर्म, दो जब एलिमेंट इनपुट में लूंगा मैं, जब एलिमेंट इंसर्ट करूंगा प्रायोरिटी क्यू में, तो कैसे वो ऑर्डर होगा, कैसे उनकी प्रायोरिटी सेट होगी, कैसे कंपैरिजन होगा कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, ठीक है। और प्रायोरिटी किसकी सबसे ज्यादा होती है, जो लास्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो बस यही थी प्रायोरिटी क्यू। अब मोस्ट प्रोबेबली तुम समझ ही चुके हो। दूसरी चीज इसके बारे में अपन जान लेते हैं यहाँ पे। तो लास्ट में ना मैं एक दो चीजें ऐसी बताने वाला हूँ जो तुम्हारे काम की है। तो अभी तुमने सब सोचा होगा कि जब मैंने मैक्स सीप लिखा था तो मैंने यहाँ पे ये बस इतना सा लिखा था, और मैंने परफॉर्म किया था तो मेरे पास आंसर आ रहा था 521, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि यार कुछ है ना डिफॉल्ट वैल्यूज होती है, जैसे कि इसका सिंटेक्स मैंने तुम्हें बताया था ये होता है, ठीक है, कि जो इसका टेम्पलेट था, तो इसमें पहले अपन को टाइप लिखना होता है, मतलब एक क्लास होती है जिसका टाइप भी इंट और इंट फ्लोट या यूजर डिफाइंड कुछ भी ले सकते हो तुम लोग, ठीक है। दूसरा होता है कंटेनर, ठीक है। अब कंटेनर वही होता है जो उसी टाइप का होता है और वेक्टर होता है, ये डिफॉल्ट है, ठीक है। मतलब अगर तुम नहीं भी लिखोगे तो ये वेक्टर बना देगा जिस टाइप का तुमने यहाँ पे लिखा होगा, अगर इंट है तो ये वेक्टर ऑफ इंट ले लेगा यहाँ पे कंटेनर में, ठीक है। और कंपेयर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है लेस टाइप नेम वैल्यू टाइप। अब मैं ना ये चीज बताना चाह रहा हूं कि अगर तुम यहाँ पे टाइप देना जरूरी है, ठीक है, बाकी दो पैरामीटर्स की तुम देख रहे हो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यूज पहले से ही है, मतलब कंपेयर इक्वल्स टू पहले से ही कुछ है और कंटेनर इक्वल्स टू पहले से ही कुछ है, तो अगर तुम नहीं भी देते हो ना ये चीज, तो ये पहले से ही कुछ ना कुछ अज्यूम कर लेता है। बट एक चीज समझना, अगर तुम कोई भी कंपैरिजन फंक्शन नहीं दोगे तो ये बाय डिफॉल्ट एक कंपेयर फंक्शन बनाएगा, जो कि क्या करेगा, जो कि लास्ट वाली इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा कंटेनर को, 1 2 5, तो बड़ी वाली वैल्यू लास्ट में चली जाएगी, तो मैक्स हीप इंप्लीमेंटेशन होगा। इसीलिए तुम कभी नेट पे भी जाके पढ़ोगे ना, तो बाय डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन मैक्स हीप होती है। अगर तुम्हें उसे मिन हीप बनाना है, मिन हीप मतलब छोटी लास्ट में लानी है, तो फिर रिवर्स सॉर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए तुम एक्सटर्नल कंपेयर फंक्शन का यूज करते हो, ठीक है। तो उसके लिए तुम ऐसे लिखते होगे, ठीक है। तो दूसरी चीज, कुछ ऐसे इनबिल्ट क्लासेस हैं जैसे कि ग्रेटर ऑफ इंट। देखो अब क्या है, ग्रेटर एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास है ग्रेटर, उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफाइंड है। ये जो जो चीज मैंने यहां पे लिखी है ना, ये चीज इस क्लास के अंदर पहले से ही है, ठीक है, ये एसटीएल के अंदर पहले से ही डिफाइंड है। मतलब कि मेरा ये चीज बताने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर मैं ये कंपेयर फंक्शन ना लिखूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूं ग्रेटर ऑफ इंट, तो ग्रेटर ऑफ इंट के अंदर क्या है, एसटीएल में पहले से ही एक क्लास डिफाइंड है जिसका नाम है ग्रेटर, ठीक है, और उसके अंदर ये पब्लिक सेक्शन में बूलियन ऑपरेटर लिखा था ना मैंने, वो वाली चीज आगे आगे जो भी था उसके आगे, ठीक है। तो जो क्या कर रहा था, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा था, 5 2 1, तो छोटा एलिमेंट लास्ट पे आ रहा था। तो ये क्या करेगा, ग्रेटर ऑफ इंट एक ऐसी क्लास है जिसमें तुम यहाँ पे ये जो इंट लिखा है ना एंगुलर टैग्स के अंदर यहाँ पे तुमने, तो ये तब कब यूज करते हैं, जब अपन टेम्पलेट बनाते हैं, टेम्पलेट बनाते हैं ना, तो यहाँ पे टी नाम का टेम्पलेट दिया है, तो तुम यहाँ पे क्लास में एक इन जनरल डेटा टाइप, अब मैं यार टेम्पलेट के बारे में नहीं बताऊंगा, बट तुम नेट पे जाके सर्च करना टेम्पलेट का कब यूज करते हैं, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इन जनरल कोई डेटा टाइप ना लिख के, मतलब इंट फ्लोट कुछ भी हो सकता है, तुम उसको टी नाम दे देते हो डेटा टाइप को, और इस क्लास के अंदर जब भी जहां जहां इंट या फिर बेसिकली यहाँ पे जो तुम डेटा टाइप दोगे ना वही यहाँ पे आने वाला है। मान लो जहां तुमने टी दिया तो यहाँ पे भी टी आएगा और यहाँ पे भी टी आएगा, ठीक है। एक तो यही चीज थी कि जो डेटा टाइप तुम याद होगे वही यहाँ पे आएगा और वही यहाँ पे आएगा। दूसरी चीज मैं क्या बता रहा था कि ग्रेटर इंट एक क्लास होती है और एक और क्लास होती है लेस इंट, यहाँ पे डेटा टाइप तुम कुछ भी दे सकते हो, तो लेस नाम की क्लास होती है, ग्रेटर नाम की क्लास होती है, ठीक है। तो तुम इसको, ये बिल्ट इन क्लासेस है यार, मतलब ये एसटीएल में पहले से बनी हुई है, तुम इनको डायरेक्ट यूज भी कर सकते हो। लेस क्लास क्या करती है, इस ऑपरेटर का, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेस क्लास इस ऑपरेटर का यूज करती है और ग्रेटर क्लास इस ऑपरेटर का यूज करती है। तो तुम अपने अपने
अभी जो तुमने पढ़ा उसके हिसाब से समझ ही गए होगे कि ग्रेटर में अगर ग्रेटर देन सिंबल यूज हो रहा है तो ये कंटेनर को किस तरीके से सॉर्ट करेगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट है तो छोटा लास्ट में आएगा, तो ये कौन सी रिप्रेजेंटेशन हुई, मेन हीप। मतलब इसमें छोटा एलिमेंट पहले बाहर आएगा, फिर छोटे से बड़े पे जाएंगे अपन, ठीक है। और दूसरी चीज, लेस देन, अगर लेस क्लास यूज करोगे, ठीक है, यहाँ पे अगर तुम वही डेटा टाइप लिखना जो तुम यहाँ पे लिख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हो, तो अगर लेस यूज करोगे तो लेस देन सिंबल यूज होगा, तो लेस देन सिंबल होगा तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, और लास्ट पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी तो मैक्सिमम पे रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो बस यही चीजें यार, तो मैं बस लास्ट में यही बताना चाह रहा था कि इन दोनों की डिफॉल्ट वैल्यूज होती है, अगर तुम नहीं भी लिखोगे तो ये डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा, और अगर तुम अपने हिसाब से करना चाहते हो तो तुम्हें एक्सप्लिसिटली लिखनी पड़ेगी, ठीक है। यही था। और एक चीज और है कि मैं अभी बोल रहा था ना कि तुम्हें कंपेयर क्लास लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे क्लास लिखनी पड़ेगी, बिना क्लास बनाए कंपैरिजन कंपैरिजन हो सकता है। मतलब तुम कंपैरेटर का काम बिना क्लास एक फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हो, वो एक अलग कंसेप्ट होता है, उसमें तुम एक दूसरे ऑपरेटर को ओवरलोड करते हो, वो अब मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला है वरना और लंबी हो जाएगी, बट हाँ अगर तुम्हें जानना हो तो नीचे कमेंट में बता देना, मैं लिंक्स वगैरह भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, कंपैरेटर क्या होता है, कहाँ यूज होता है, प्रायोरिटी क्यू में कैसे यूज होगा कंपैरेटर, सेट्स में कैसे होगा, मैप्स मैंने बताया नहीं, बट मैप्स में सिमिलरली जैसे सेट में होता है वैसे ही होता है, ठीक है। इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी तुम्हें आइडिया होगा, लॉग इन में कैसे इंसर्शन डिलीशन हो रहा है, ठीक है। तो जो लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था फोर्थ वाला, तो इसको देखने के बाद अगर तुम वापस वो वीडियो देखने वाले हो तो तुम्हें पक्का से समझ में आ जाएगा वो सब कुछ, कोड देख लेना उसका, समझ में आ जाएगा। और जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके एक बार देखना यार, उसमें काफी सही मैंने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है। मैं इन कोड फोर्सेस के कॉन्टेस्ट के क्वेश्चन को लेके आता हूँ, तो कोई नहीं भी देता ना कॉन्टेस्ट में पार्ट नहीं भी लेता, तो वो डायरेक्ट इन क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हुए सीखेगा, तो एक बार वो तब भी कुछ ना कुछ सीखेगा, तो उनको देख लिया करो। इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना यार, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं।